जय हिंद, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। समय की बड़ी खबर, फिर से जम्मू कश्मीर के जिला रजौरी के दूरदराज इलाका डांगरी से सामने आ रही है। यहां पर हमने रात को ही आपको ये बताया था कि एक बड़ा आतंकवादी हमला जो है वहां पर देखने को मिलता है, जिसके नतीजे में चार लोग जो है मौके पर ही शहीद हो जाते हैं। लेकिन इस बीच सात से आठ के यानी कि 10 के करीब लोग जो है वो उसमें जख्मी बताए जा रहे थे, जिन्हें कुछ का इलाज जो है वो जीएमसी रजौरी में किया जा रहा है, और जिन लोगों की हालत खराब है उन्हें जो है वो कल रात को जो है वो एयरलिफ्टेड सीधा जो है वो जीएमसी जम्मू में यहां पर किया गया था। लेकिन इस समय की एक बार फिर से दिल दहला देने वाली खबर और बड़ी खबर जो है वो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के डांगरी इलाके से सामने आ रही है। यहां पर आपको बता दे चले कि एक आईडी ब्लास्ट जो है वहां पर देखने को मिला है, जिसके नतीजे में फिर और लोग जो है वो जख्मी हुए हैं, और इसमें जो है अब एक छोटा बच्चा भी जो है वो इस आईडी ब्लास्ट में जख्मी हुआ है। एक बहुत बड़ा धमाका फिर से राजौरी के डांगरी इलाके में देखने को मिला। फिलहाल के लिए हमारे साथी इस वक्त कुलदीप चौधरी जी ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कुलदीप जी जी, मैं आपको बताऊं कि सुबह का टाइम था, जिस घर में आतंकवादियों ने पहला हमला बोला उसी घर के ठीक बैक साइड पे एक धमाका होता है। इसको आईडी ब्लास्ट बताया जा रहा है कि पांच लोग जो है उसमें जख्मी हुए हैं और तीन इसमें बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे थे, और तीन की बताया जा रहा है कि तीन की ही मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं करते हम। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि दो से तीन लोगों की मृत्यु और हो चुकी है अभी सुबह के टाइम, अभी अभी की ये खबर है। और उन बच्चों को जो है राजौरी जीएमसी में शिफ्ट किया गया और उसके बाद उन्हें भी एयरलिफ्ट करके जम्मू शिफ्ट किया जाएगा। क्या ये कुलदीप जी एक ही परिवार के लोग थे जो आज इस आईडी ब्लास्ट में जख्मी हुए? जी हाँ, उन्हीं के कजन थे, जैसे कि उनके घर में मृत्यु हुई थी क्योंकि पहला अटैक उन्हीं के घर में हुआ था, दो से तीन लोग उन्हीं के घर के मारे गए थे और उनके कजन वगैरह वहां पे आए थे अफसोस के लिए। और वहीं पे जब आईडी ब्लास्ट होता है और छोटे छोटे बच्चे, बताया जा रहा है कि दो से तीन बच्चे जो है इसमें ज्यादा जख्मी हुए हैं, और उन्हें जो है टोटल पांच से छह लोग जख्मी हुए हैं, उन्हें राजौरी में शिफ्ट किया गया। देर रात जो है सर्च ऑपरेशन कराया गया, लेकिन कुछ भी सिक्योरिटी फोर्स के हाथ में कुछ भी हाथ में नहीं लगा। और उसके बाद जो है अभी आईडी ब्लास्ट होना कहीं ना कहीं डांगरी के लोगों, राजौरी के डांगरी लोगों के अंदर जो है एक दहशत का माहौल बना हुआ है कि आखिरकार डांगरी में हो क्या रहा है। कल शाम से लोग जो है वो काफी डरे हुए हैं। किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं? सोर्सेस के मुताबिक जो भी जानकारी मिल रही है कि लोगों ने वहां पर रोड को बंद किया है और डीसी राजौरी और एसएसपी राजौरी को वहां से ट्रांसफर करने की मांग जो है वहां पर की जा रही है, ऐसा भी कुछ है कि वहां पर सुबह से जो है लोगों ने जम्मू पुंछ राज्य राजमार्ग जो है बंद किया हुआ है, और लोगों की यही डिमांड है कि डीसी राजौरी और एसएसपी राजौरी को यहां से ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कल जैसे ही ये हमला होता है उसके बाद पुलिस को तला दी जाती है, लेकिन पुलिस की तरफ से एक डेढ़ घंटा कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, पुलिस मौके पे नहीं पहुंचती, सिविलियन लोगों की तरफ से उनको जो है उठा करके शिफ्ट किया जाता है जीएमसी राजौरी में, सिविलियन गाड़ी में एम्बुलेंस भी नहीं आती, और लोग जो है लोगों के अंदर काफी गुस्सा भी है और लोग डरे भी हुए हैं उस इलाके की कि आखिरकार कल शाम को हमला हुआ उसके बाद उसी घर में आज सुबह आईडी ब्लास्ट होना, लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल है, लोग जो है अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, दुकानें नहीं खोल रहे, बिल्कुल बंद की काल दी गई है, और बिल्कुल कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा अपने काम के लिए कि आखिरकार राजौरी में डांगरी इलाका में हो क्या रहा है। कुलदीप जी, क्या लगता है कि आईडी जो है पहले से ही वहां पर प्लांट की गई थी, जैसे ही कल आतंकवादियों ने हमला किया उस वक्त की ये प्लांट की गई थी या अभी सुबह सुबह ही दोबारा से वहां पर प्लांट की गई? ये जब पहला हमला हुआ है उससे पहले ही ये आईडी वहां पे प्लांट की गई है, क्योंकि उसके बाद वो लोग यहां से जिन लोगों ने फायरिंग की है सबसे पहले इस घर में फायरिंग की है, उसके बाद नीचे के दो घर हैं उन घरों में फायरिंग करके नीचे से वो रोड से वो जो दो से तीन व्यक्ति थे वो फरार हो चुके। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कल शाम के टाइम ही आईडी वहां पे प्लांट की गई और उसके बाद जो है फायरिंग दावा बोला गया उनके घर में, उसके बाद दो से तीन घर जो और हैं उनके घर में फायरिंग की गई, उसके बाद ये लोग जो है वहां से फरार हो गए। लेकिन बड़ी बात यहाँ पे एजेंसियों पे आती है, इस समय जो है लोग जो भी डांगरी के लोग हैं वो इस समय नारेबाजी कर रहे हैं कि आखिरकार राजौरी की एजेंसियां जो है वो कर क्या रही थी कि इतना बड़ा कांड हो जाता है और एजेंसियां जो है वो सोई रहती हैं, पुलिस का एक डेढ़ घंटा एक्शन ना लेना कहीं ना कहीं चिंताजनक है, और लोगों का गुस्सा और डर जो है उसके अंदर लोग अपने घरों में घुसे हुए, और दूसरी तरफ कई लोग जो है वो मेन रोड हाईवे पर बैठे हुए हैं कि आज जो है
फैसला होके रहेगा डीसी रजौरी और एसएसपी रजौरी इससे ट्रांसफर होने से। जी बताइए। बिल्कुल कुलदीप, आपसे जानना चाहूंगा कि इलाका जो है वो रजौरी जिले से कितनी दूरी पर पाया जाता है? रजौरी के ठीक 3 से 4 किलोमीटर की ये दूरी पे पाया जाता है। डांगरी इलाका है, संतोषी माता का मंदिर है उस नाम से ये मशहूर इलाका है, और उसी ठीक संतोषी माता के नीचे वाली साइड का ये मोहल्ला है, वहां पे उस मोहल्ले में ये फायरिंग की गई है। और एक ही मोहल्ले के इस समय जो है 6 से 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और 12 से 13 लोग जो है इस फायरिंग में जो है कुछ जम्मू में रेफर किए गए हैं, कुछ डीएमसी रजौरी में। अभी है अभी सिचुएशन जो है क्रिटिकल बताई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा कोई इलाके की घेराबंदी की गई हो, इलाके को गार्डन ऑफ किया गया हो, ऐसा कुछ है? सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कल शाम को ही पूरे इलाके को कार्डन कर लिया गया था। हर चीज को खंगाला जा रहा है, एक एक घर को खंगाला जा रहा है कि आखिरकार वो व्यक्ति जो फायरिंग के बाद कहाँ गुम हो गए। वो एक एक इलाके को घेरा जा रहा है, लेकिन आईडी ब्लास्ट होने के बाद लोगों के अंदर और डर है। डर बन जो गया। लोग अफसोस के लिए उनके घर पहुंचे थे वो भी अपने अपने घर की तरफ अब रुख कर रहे हैं। लोगों के अंदर एक डर का माहौल है कि हमारे घर में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जैसे कल फायरिंग हुई और आईडी ब्लास्ट होना, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्स सबसे पहले उन्हीं के घर पे पहुंची थी कि उनसे पूछा जाए कि कौन सी तरफ हो गए थे। लेकिन आईडी ब्लास्ट होना, आईडी ना मिलना सिक्योरिटी फोर्सेस को कहीं ना कहीं चिंताजनक है कि और भी कहाँ 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 पे आईडी प्लान किए हैं, कहाँ कहाँ पे एक बड़ा नुकसान जो है वो रजौरी में हो सकता है। इसलिए जो है अब सिक्योरिटी फोर्स भी फूक फूक के कदम रखे, और लोगों की तरफ से गुस्सा और डर दोनों चीजें हैं। एक तरफ लोग जो है मेन रोड में बैठे हुए हैं, मेन रोड को जाम करके, और दूसरी तरफ कई लोग जो है अपने घरों से बाहर निकल रहे, और कई लोग जो उन मृतक लोग हैं उनके घर में अफसोस के लिए पहुंचे थे वो भी अब वापसी का रुख कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर डर है कि इसी घर में आईडी ब्लास्ट होना कहीं ना कहीं और भी एक बड़ा नुकसान हो सकता है। उसी डर को लेकर लोग अपने घर की तरफ रुख कर रहे चलिए हैं। शुक्रिया कुलदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता रजौरी से कुलदीप चौधरी जी हमारे साथ थे, और जिन्होंने पूरी तफसीलात के साथ ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जो है वो आप लोगों तक साझा किया है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के जिला रजौरी को जो है वो एक बार फिर से दहलाने की कोशिश की गई है, और आतंकवादियों द्वारा एक कायराना हरकत करके जो है वो लगभग 10 लोगों को यहां पर जख्मी किया गया, लेकिन इस बीच 4 लोगों की जानें जो है वो जाया हुई है। और आज सुबह उस वक्त एक और हैरान करने वाली और दिल दहला देने वाली खबर रजौरी के डांगरी इलाके से ही उस वक्त सामने आई, जब एक और आईडी जो वो सुबह सवेरे ब्लास्ट होता है और जिसमें 2 महिलाएं समेत एक छोटा बच्चा जो है वो उसमें जख्मी हो जाता है। फिलहाल जख्मियों को जो है वो जीएमसी रजौरी शिफ्ट किया जा रहा है, और वहां पर अगर किसी की हालत खराब दिखती है तो उसे सीधा ये लिफ्ट करके जो है वो जीएमसी जम्मू जो है वो इलाज के लिए शिफ्ट किया जा रहा है। काफी दुखद रहता है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं कि आखिरकार किस तरह से नए साल के पहले दिन ही जो है वो एक परिवार में यहां पर खुशियां मना रहे थे, लेकिन वो पल भर खुशियां जो है पल भर में जो है वो इस तरह से गम में बदल गई जब आतंकवादियों द्वारा एक कायराना हरकत जो है वो दिखाई गई। मैं तो ये कहता हूं कि थू थू है ऐसे पाकिस्तानियों पे जो अपनी नापक हमेशा भीख मांगने वाला देश जो है वो आज नए साल के मौके पर जो है वो इस तरह की घिनौनी वारदात को जिसने अंजाम दिया है, माता रानी से दुआ रहेगी कि उन कायर आतंकवादियों को जल्द से जल्द जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा पकड़ा जाए और सीधा मौत के घाट उतारा जाए, ताकि परिवार वालों में इस वक्त जो मातम का माहौल छाया हुआ है उनका दर्द तो कम नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम उनके साथ जो है वो इंसाफ हो सके। अभी भी जम्मू से जो रजौरी नेशनल हाईवे है उसे जो है वो हाईवे को जो है रोड को जो है बंद किया गया है, और लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी सेफ्टी को यकीनी बनाने की फरियाद जो है वो जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जी से कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि एलजी मनोज सिन्हा जी उस पर कोई एक्शन लेंगे, जिस तरह से लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे जो है वो यहाँ के जिला तरक्की कमिश्नर रजौरी समेत एसएसपी रजौरी की जो है वो ट्रांसफर की जानी चाहिए। उनके गंभीर आरोप जो है वो जिला रजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन पर लगाए जा रहे हैं कि उन्हीं की नेग्लिजेंसी की वजह से आए दिन जिला रजौरी के इलाके को जो है वो दहलाया जा रहा है और इसको जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। आप जनता अपने सुझाव जरूर दें, लेकिन माता रानी और वाहे गुरु अपने अल्लाह के आगे आप सब ये दुआ कीजिएगा कि जो भी लोग इस तरह के इंसिडेंट्स में जो है वो जख्मी हो रहे हैं उनके लिए दुआ कीजिएगा कि उनकी जानों को जो है वो बचा जा सके, और जिन लोगों की जाने इसमें चले गई हैं जो शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को जो है वो शांति मिले। देखते रहे जम्मू परिवर्तन, इस हवाले से अगर और भी कोई अपडेट सामने आएगी वो भी हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद जवाहर।